ready and out to explore something new today. So come with us. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में इन्जॉय करेंगे अपनी अपनी लाइफ को। और इस वक्त हम निकल चुके हैं एक और कैफ़े को एक्सप्लोर करने बर्मिंघम में। हमने सोचा है कि जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे ताकि आप भी हमारे साथ साथ चल के इन्जॉय कर सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर कैफ़े। बाय वॉक हम जा रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लोज टू आर हाउस, बट स्टिल हम बाय वॉक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रह के आपकी हड्डियाँ जवाब देने लग जाती हैं। नॉर्मली यहाँ पर इतनी धूप नहीं निकलती और हर वक्त मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बेहतर है तो चलें वॉक करके चलते हैं ताकि हम मौसम को भी थोड़ा एंजॉय कर सकें, और शॉर्टकट से जा रहे हैं ताकि हम जल्दी से पहुंच भी जाएं और रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सप्लोर भी कर सकें। इस तरह से ये होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और ज़्यादा रास्ते से भी आपकी अवेयरनेस हो जाती है, तो अगर आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लेडी पूल रोड पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, कैफेज मिलेंगे, बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती हैं बआसानी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम आपको साथ साथ थोड़े थोड़े दिखाने की कोशिश करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं और इस तरह की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं और आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम भी वॉक कर रहे हैं और साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रोड को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उसमें काफ़ी देसी रेस्टोरेंट्स भी हैं, और आपको काफ़ी अपने अपने वतन जैसी, अपने देश जैसी फील आती है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो काफ़ी आपके पास रिलेट करने को बहुत कुछ होगा उनके साथ। आपको बहुत सारी शॉप्स के नाम ऐसे मिलेंगे, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे मिलेंगे, और इस तरह की यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रक आर्ट की भी यहाँ पर हमने एक सैम्पल तलाश कर लिया, बहुत ही पाकिस्तानी फील आई है इसको देख के, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। लुक एट दिस कार, और ये देखें इन्होंने कितने ब्यूटीफुली डेकोरेट की हुई है। और इसी के साथ साथ हम अपनी डेस्टिनेशन तक भी पहुंच गए हैं। सो हमारा आज का टारगेट है एज़्योर कैफे। एज़्योर कैफे को आज हम विजिट करेंगे, आप भी हमारे साथ चलें, इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या खाया और वो कैसा था। सो हे यू कैन सी, ये कुछ इंटीरियर है इसका, और इसी तरह से ये दो फ्लोर्स पर है, ग्राउंड फ्लोर की इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी आउटलुक दिखाती हूँ, और फिर साथ ही हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा डेकोरेट किया है, मॉडर्न बनाया है इस कैफ़े को इन्होंने काफ़ी, इट लुक्स रियली नाइस। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न डेकोरेशन है सारी, और इस वक्त मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर भी काफ़ी अच्छा इंटीरियर मेंटेन किया गया है, और कैफ़े की जो स्पेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। एक ही शॉप में उन्होंने पार्टीशन करके ऊपर का फ्लोर भी बना दिया है, सो दिस इज़ रियली नाइस। और यहाँ पर इस वक्त आप इंटीरियर देख सकते हैं, फाइनली एज़्योर कैफ़े का ये व्यू ऊपर से है, और इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। पीसफुल है यहाँ पर, इस वक्त इतना रश नहीं है, इतने लोग नहीं है, को खाली लग रहा है, ऑलमोस्ट एक दो टेबल्स पर लोग हैं सिर्फ, और बाकी सब एम्प्टी चल रहा है। और ज़्याद मेन्यू को चेकआउट कर रहा है, तब तक जो है मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि बाकी यहाँ पे क्या है। मेन्यू आ चुका है मेरे पास भी, और इस वक्त मेरा कुछ खास खाने का मूड नहीं है, सो मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ मीठा ऑर्डर करूँ अपने लिए। और इस वक्त मैंने सोचा कि ज़रा थोड़े से पोज भी मार लिए जाएँ, बिकॉज वो तो मैंडेटरी होते हैं जब भी आप कहीं जाते हैं, और मेरे साथ साथ आप इस ज़ोर को भी इस वक्त देख सकते हैं। तो जी ये यहाँ पे सीन चल रहा है, ऑर्डर मैंने कर दिया है प्लेस, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। और जी सेल्फीज़ लेते रहते हम अपने फूड का वेट कर रहे हैं, इस तरह से हमारी इन्जॉयमेंट चल रही है साथ साथ। और अभी तक जो है वो कैफ़े की वाइब ठीक है क्योंकि अभी तक फूड नहीं आया, और नीचे से मैंने स्पॉट किया है कि हमारा जो फूड है, हमारा जो ऑर्डर है वो आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक कैप्चर करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त आप ये सब व्यूज़ तो देख सकते हैं। ओवरऑल अगर इंटीरियर की बात की जाए तो ये मुझे वाकई ही बहुत अच्छा लगा है, वाइब ठीक है, लेकिन फूड के बारे में मेरे कुछ व्यूज़ अच्छे नहीं हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा मिल्क केक आ चुका है, और मेरी कज़न का मील आ चुका है, शी इज़ इंजॉइंग हर मील, बट मेरा फूड बिल्कुल मज़े का नहीं था, ये डिज़र्ट बिल्कुल आउटडेटेड था, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था, बिल्कुल फ्रेश नहीं था, इसका कोई टेस्ट कोई फ्लेवर नहीं था। और साथ ही अगर बात की जाए इस ज़ियाद के शीशा की, तो ये भी बिल्कुल फजूल था, और इसके लिए भी हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप बर्मिंघम में रहते हैं और आप एज़्योर जाना चाहते हैं किसी ब्लॉगर की रिकमेंडेशन पर, तो हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे,
करूंगी क्योंकि ये 100% फेयर रिकमेंडेशन है। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।